तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं कुछ काम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ले लिया खाली बॉटल और कुछ कलर्स और इसके साथ करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेहा आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक सॉस का बॉटल ले लिया और ये वाले कलर से मैं इसको कलर कर रही हूँ। और ये मुझे करना है पहले फर्स्ट कोट करके और फिर उसके बाद थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग डबल कोट कर देंगे ताकि ये इस पर जो हमारा बॉटल है वो विजिबल ना हो कहीं से। और आप जब भी पेंट करें तो एक तरफ से करें, ऐसा ना हो कि कभी इधर से कभी उधर से, या तो आप अपवर्ड करें डाउनवर्ड करें इस तरीके से करें, लेफ़्ट टू राइट राइट टू लेफ़्ट ऐसे करके ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो आपका ब्रश होता है उसका मार्क आ जाता है और वो देखने में अच्छा नहीं लगता, इक्वल नहीं लगता हर जगह से। तो आप इसी तरीके से करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पहले आप सॉस के बॉटल को उस पर उसका जो रैपर होता है उसको हटा दीजिए, इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए और फिर आपका बॉटल तैयार है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। तो ये देखिए मैं कितने आराम से कर रही हूँ, एक तरफ से कर रही हूँ, चारों तरफ से नहीं कर रही। और आप फ्रेंड्स अपने कलर मनपसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। और मैंने डायरेक्ट ये वाला कलर किया है क्योंकि मुझे इस पर बेस की ज़रूरत नहीं थी, ये प्लास्टिक बॉटल था तो ये ऑलरेडी वाइट था और मुझे इसमें बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस लगाना ही है, आप डायरेक्ट कलर लगा सकते हैं। बस ये है कि आप कलर करते हुए ध्यान रखें कि एक साइड से आए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रश का स्ट्रोक सीधा दिख रहा है तो ऐसे रहेगा तो क्या होगा कि उस पर विजिबल नहीं होता और देखने में अच्छा लगता है, नहीं तो इधर से उधर से रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे करके देखिए मेरा इस तरीके से बॉटल पेंट हो गया है। अभी ऊपर से मैंने एक ईयरबड ले लिया है और ईयरबड के हेल्प से मैं इस पर डॉट डॉट बना दूंगी। और उसके बाद आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी सारे पे बस डॉट कर सकते हैं, या फिर डॉट से कोई फ्लावर टाइप भी बना सकते हैं जैसा कि मैं बना रही हूँ। और ये बहुत ही इजी है, तो आप अपने घर पर अपने बच्चों को बता सकते हैं या फिर आप भी खाली टाइम में थोड़ा सा होता है माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इस तरीके से आर्ट बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, समय भी यूज़ होगा अच्छे से, आपके लिए एक एक्टिविटी भी हो जाएगी एंड घर का जो वेस्ट होता है वो भी यूज़ हो जाएगा और आपके लिए एक डेकोरेटिव पीस भी रेडी हो जाएगी। तो है ना कितना मल्टीपल यूजेस का। इस तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से पेंट कर लिया है और ये पेंट करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस और भी आगे वीडियोस लेके आते रहूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो घर की चीज़ों से होगा। आगे भी मैं आपके लिए बॉटल आर्ट लेके आने वाली हूं जो कि आपके लिए यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही इजी होगा और आपको लगेगा कि हाँ किचन की चीज़ों से ये सब भी हो सकता है। तो मैं उसमें भी आपके लिए किचन से रिलेटेड ही लाऊँगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक अगर पसंद आता है तो लाइक कर ले और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसे फ़ायदा उठा सके। तो इस तरीके से करते हुए देखेंगे कि मैंने चारों तरफ से कर लिया। और आप ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये कलर यूज़ किया तो आप भी यही कलर यूज़ करें, आप अपने पसंद से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद होगा या फिर आपने जो भी थीम रखा होगा अपने घर में उसके अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये वाला बॉटल आर्ट जो है वो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो जो उनको एक आइडिया देगा, जो उनके स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन वगैरह होता है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, और ये भी बना सकते हैं इस तरीके के, और भी आइडियाज़ बना सकते हैं। जब एक बार सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और देखिए यहाँ पर मैं फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ आपको, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।